ध्यान ने आज जल्दी आ गई। चलो अच्छा है, चाय चढ़ा देती हूँ, दोनों साथ में पियेंगे। मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों, क्या हुआ? मूड ऑफ है? ऑफिस की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक हूँ मैं, आप चिंता मत करो, बस कुछ सोचना चाहती हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है बेटा। ऑफिस की प्रॉब्लम, पर इस तरह तो वो रिएक्ट नहीं करते, जरूर कोई और बात है। रोनी से बात करके देखती। रोनी, नमस्ते बेटा। नहीं नहीं, वो तो आ गई है घर। कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? अच्छा, नहीं नहीं, शायद अपने पापा की बात को लेके अभी भी थोड़ी परेशान है। टाइम तो लगता है ना उसमें से उभरने के लिए। नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। चलो मैं फोन रखती हूँ। बाय बेटा। मिस्टर कबीर शर्मा खुद एक डिवोर्सी, उनके एक इंटर्न दारिनी पाल जिसके साथ उनका अफेयर था, जो कि जर्नलिज्म की दुनिया में उसके बाद कभी दिखाई नहीं दी। तो कबीर सर के चक्कर में आके भटक रही है। चल तो सही थी, खुद को कभी सर के प्यार में नहीं पड़ने दे सकती। क्यों प्यार हुआ मुझे उनसे कि जिंदगी में तारनी है, ऐसी कोई जगह नहीं। ठीक है तू? मतलब? मतलब कि कल आंटी का फोन आया था, कह रही थी कि तू बहुत परेशान थी। परेशान तो मारे थी, छुपाती हैं, पर मुझे तो पता है ना। और फिर हमारी चिंता भी करती हैं। नॉर्थ ईस्ट वाली फुटेज जो मैंने तुझे कल बताया था वो निकाली तूने? मालविका ने मांगी है, मैं चाहती हूँ कि आज दोबारा मांगे उससे पहले ही मैं उसे उसके डेस्क पे रख दूँ। सारी रिपोर्ट मैं फाइल में डाल देता हूँ। I'll give it to you. You know what guys? जब से कबीर सर गए हैं ना, से मालविका मैडम डायन बन गई है। No seriously. वो फाइल दे दे मुझे, मैं अभी ले आता हूँ। हॉस्पिटल गई थी कल, तो ठीक कह रही थी, तारिणी थी वहां। फाइनली अब तुझे समझ में आ गया, एंड थैंक गॉड अब सब बातें क्लियर हो जाएंगी। मुझे पता है जो लोग प्यार व्यार के इसमें पढ़ते हैं ना, उन्हें सिर्फ लॉस मिलता है। फाइनली यू कैन मूव ऑन।
ये सब क्लियर अभी हुआ है, पर कबीर सर से मेरा अट्रैक्शन तो बहुत पुराना है, सालों पुराना। 8 साल से हीरो वर्शिप करती आई हूं उन्हें। ये अब समझ में आ रहा है कि ये प्यार है, पर रिश्ता तो पुराना ही है ना। अनन्या, आई अंडरस्टैंड, पर तुझे पता है कि तू कितनी लकी है। थैंक गॉड ये बात लोगों के सामने नहीं आई, अगर लोगों को पता चल जाता ना तो कितनी तरह तरह की बातें करते। ये ले। थैंक्स। मैं ये मालविका को दे आती हूँ, फिर कॉफी पीते हैं। ऐसा जोक सुनेगी? तुझे तो पता होता है कब जोक सुनाना। वैसे रॉनी, अगर मैं भी जोक सुन लूं तो तुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं होगी। अरे सुन, एक बार क्या होता है, एक बाप और बेटे में ना आर्ग्यूमेंट हो रही होती है, तो बाप बेटे से बोलता है, ये रे लड़की की तस्वीर, ये धनवती भी है गुणवती भी है, ये तेरी लाइफ में आएगी ना तो बहुत सुखी रहेगा। तो पता बेटा क्या बोलता है? बेटा बोलता है, पापा ये रो लड़की की तस्वीर, ये धनवती भी है गुणवती भी है और गर्भवती भी है। ये क्या था, ये जो मेरे लिए था या त्रिशा के लिए? यार जो जो बुक में लिखा होगा वही मैंने पढ़ दिया। मैं दे के आती हूँ। ओए मिस कश्यप, मालविका मैडम का कैबिन ऊपर है, अभी उन्हें कबीर सर की जगह लेने में टाइम है। यस कबीर, मैंने सबको कॉन्फ्रेंस रूम में ही बुला लिया है ताकि तुम सबसे बात कर सको, और ये भी देख लें कि इनका एडिटर इन चीफ हेलेन हार्टी है। गाइस गाइस, कबीर, आई होप आप सब मुझे मिस कर रहे हैं अपने अपनी तरह से। अब तुम कैसे हो कबीर? बिल्कुल वैसा जैसा दिख रहा हूं, हेलेन हार्टी, बस यहां से हिल नहीं सकता। ओके, तो शायद मुझे यहां पर एक दो दिन और रुकना पड़ेगा, लेकिन आज रात की न्यूज मैं यहीं से पढ़ूंगा। खालिद का ऑर्डर है। ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो अच्छा होगा, बट गेट वेल सून। धन्यवाद। सिर्फ डॉक्टर ने बोला है दवाई टाइम पे, चलो। सॉरी गाइस। प्लीज प्लीज गो अहेड कबीर साहब, वैसे भी दवा और दारू को मना नहीं करना चाहिए, है ना? शुक्रिया मानव, अपेंडिक्स का पेन नहीं है। ओके गाइस, सो नाउ हियर मी केयरफुली। मुझे अपने स्ट्रिंगर से एक लीड मिली है, बिजनेस टाइकून कुलदीप सयाल, जो 3 दिन पहले हार्ट अटैक से मरा था, उसकी प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा बम फटने वाला है। एक महिला है मंदिरा वर्मा, जो कल कोर्ट में क्लेम फाइल करने वाली है कि उनके 2 साल के बेटे का पिता कुलदीप सयाल थे। ये कल एक नेशनल न्यूज तो बनेगा ही, लेकिन हम इसे आज अपनी ब्रेकिंग न्यूज बना सकते हैं। अनन्या, मैंने तुम्हें मंदिरा का एड्रेस SMS कर दिया, हो सके तो उससे मिलो, और अगर पॉसिबल हो तो उसे हम आज शाम की न्यूज में लाइव इंटरव्यू करते हैं। राइट, थैंक यू कबीर, सी यू सून। लेडीज एंड जेंटलमैन, बैक टू वर्क। अनन्या, मुझे नहीं लगता तुझे ये स्टोरी करनी चाहिए। तू एक काम कर, तू ना कुछ भी बहाना मार दे, लेकिन ये स्टोरी मत कर। कब तक बहाने बनाऊंगी मैं? या तो सीधे सीधे बात करूं कबीर सर से, या चुपचाप काम करती रहूं, अगर यहां रहना है तो। मैम, आपकी ईयरपीस में कबीर शर्मा आपसे बात करेंगे, और मैं तो यहाँ हूँ। बाय द वे, आपको मेरे बारे में, मतलब
मेरा पता कैसे चला? क्यों? नहीं, मैं मीडिया को अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई ये समझे कि ये सब कुछ मैं मीडिया पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ। जी हम समझ सकते हैं। रेडी? अभी नहीं, एक मिनट। साउंड ओके? हाँ। देख लो, ठीक है? एक मिनट पकड़ो। ओके? गो गो गो। हैमर। ओके। ऑफ फर्स्ट। ओके गाइस, आई एम रेडी। ओके। रॉनी, वी आर रेडी। ओके कबीर, रॉनी इमेजेस रेडी। राइट, अनन्या को इन्फॉर्म कर दो। तैयार है तू? ठीक। ओके कबीर, वी आर रेडी टू गो इन 5, 4, 3, 2, 1, गो। नमस्कार, खास खबरें कबीर के साथ में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक खुलासा, और उसके लिए चलते हैं सीधा हमारी संवाददाता अनन्या कश्यप के पास। जी कबीर, कुलदीप सयाल की मौत हार्ट अटैक से हुई, और जैसा कि हमने आज अखबारों में पढ़ा, उनकी पत्नी मिसेज लीला सयाल का ये कहना है कि उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी सारी संपत्ति पर उनका हक होगा। अब मिसेज लीला सयाल उनके कारोबार को टेक ओवर करेंगी, पर कल कोर्ट में एक क्लेम दर्ज होने जा रहा है जो मिस्टर सयाल की संपत्ति पर अपना हक मांगेगा, उनका नाजायज बेटा। इसे स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ आज हैं मंदिरा वर्मा। क्या कहें आपको, मिस्टर सयाल की दूसरी पत्नी, उनकी गर्लफ्रेंड, क्या आपकी मिस्टर सयाल की शादी हुई थी? जी हाँ, लेकिन तब तक मुझे ये नहीं पता था कि वो पहले से शादीशुदा है। अनन्या, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा मंदिरा जी से। मंदिरा जी, आप कितने सालों से जानती थी मिस्टर सयाल को? 10 सालों से। मैं नेपाल के दूर दराज इलाके में अपना एक स्कूल चलाती थी। मिस्टर सयाल वहां पर छुट्टियों में आए हुए थे, उन्हें ट्रैकिंग का बहुत शौक था, वहीं पर हम दोनों की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद तो वो रेगुलरली आने लगे। उन्होंने मेरे स्कूल को सपोर्ट करना भी शुरू किया था, और उसी दौरान हम दोनों ने शादी की थी। लेकिन शादी के बाद उन्होंने मुझे बताया अपनी पहली शादी के बारे में। तो इसका मतलब है कि आप टेक्निकली जानती थी कि? जी हाँ, लेकिन मेरी शादी के बाद। देखिए, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ वो किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो अपने बेटे को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाएंगे। मैं अपने बेटे को उसका हक दिलाना चाहती हूँ, और मैं डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हूँ। तो मंदिरा जी, क्या मिसेज लीला सयाल आपको जानती हैं? जी हाँ, हमारी बात हो चुकी है, और उन्होंने मुझे बड़ी बदतमीजी से गेट आउट कह दिया। अनन्या। थैंक यू कबीर। तो मंदिरा जी, अगर मिस्टर सयाल जिंदा होते तो आप क्या करती? आप चेक कर सकते हैं। मैं तो नेपाल वापस जा रही थी अपने बच्चे को लेकर। मेरा बेटा बहुत छोटा है, और मैं ये पैसा उसके लालन पोषण के लिए नहीं मांग रही हूँ। मैं उसका हक उसके पिता से वापस दिलाना चाहती हूँ। अनन्या, हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, कहीं मत जाइएगा, हम लौट रहे हैं कुछ ही क्षणों में। मैम, मैं आऊं? आप हैंडल कर लेंगे? मुझे ग्लास पानी मिलेगा? थैंक यू। आप बेटर फील कर रहे हैं? आप इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा एडिटर इन चीफ, तुम्हारा हीरो, तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में पड़ा है, और तुम एक बार भी उससे? मैं आपसे मिलने आने वाली थी।
काम था बहुत, इसलिए। वैसे मैं तुम्हें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, ये तो तुमने इतने प्यार से पूछ लिया इसलिए मुझे लगा कि औपचारिकता क्या होती है तो मैं बता दूं। औपचारिकता की बात मत कीजिए, से गलती हो गई कि मैंने आपको अपना दोस्त माना। आप क्यों, तुम्हें लगता है कि मुझे रिश्ते निभाना नहीं आता? वैसे शायद तुम सही कह रही, एक एडिटर इन चीफ और रिपोर्टर का शायद एक ही रिश्ता हो सकता है, जूनियर सीनियर का। रिश्ता एक तरफा नहीं होता सर, और वैसे भी आपके पास तो रिश्ते की कोई कमी नहीं। क्या कहा मिस कश्यप? रेडी सर। मैम टाइम हो गया, आपने पंचिंग नहीं किया। बस आज के लिए काफी न्यूज सुन ली। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम जुड़े हुए हैं मंदिरा वर्मा के साथ, जिनका दावा है कि उनका 2 साल का बेटा बिजनेस टाइकून कुलदीप सयाल का बेटा है और वो अपने बेटे के हक के लिए कल कोर्ट में एक क्लेम भी फाइल करने वाली है। मंदिरा वर्मा डीएनए टेस्ट देने को भी तैयार हैं और उनके हिसाब से ये हक की मांग है, प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए नहीं। अनन्या, मंदिरा जी आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से? जी नहीं, मैं तो मीडिया के अटेंशन में भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन आपने बुलाया इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और अगर इससे मेरी मांग को जायज सपोर्ट मिलता है तो मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू मंदिरा जी। तो ये थी मंदिरा वर्मा, और अब इस कहानी में आगे क्या होता है ये तो कल ही पता चलेगा। कैमरामैन सनी गिल के साथ अनन्या कश्यप, KKN। कर इस तमाशे को, जो भी दिल में है वो जाके कह दे कबीर को। फिर साफ साफ बात कर, गलतफहमी दूर कर। अगर तुझे लगता है कि तूने गलती की है प्यार करके, है या जो भी है सब बात करनी है और खत्म करना है, तो मैं कुछ और सोच बैठी हूं या फिर कभी। Excuse me? Yes? यहाँ जो पेशेंट थे वो मिस्टर कबीर शर्मा जी, उन्हें तो यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है, मतलब अभी अभी सिंगापुर के लिए निकल चुके हैं। जाने से पहले अगर सोचना इंसान की फितरत है तो ज्यादा सोचना एक अभिशाप, क्योंकि अगर सोच को सही वक्त पर ना रुका जाए तो वो बोझ बनने लगती है। सोचने से समस्या का हल तो मिल जाता है, लेकिन ज्यादा सोचने से उसी समस्या को हल करने का वक्त निकल जाता है। सोचे लेकिन ज्यादा नहीं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.